नहीं, ये एडवांस पार्ट में नहीं लिखना है। मैंने आपको बोला था कि एडवांस लेक्चर, मतलब एडवांस लेक्चर तो 1 घंटे के बाद, लास्ट का आधा घंटा मैं थोड़ा सा एडवांस पार्ट करूंगा, ठीक है। मेरा मन करेगा तो मैं शायद थर्सडे को भी एक आपका लेक्चर लूंगा ग्राफ के ऊपर, ठीक है। मन करेगा तो थर्सडे शाम को भी मेरा एक लेक्चर आपके ऊपर होगा, ठीक है। उसका कंफर्मेशन आपको वेनसडे को, मतलब परसों आ जाएगा, ओके गाइस। और जो थर्सडे का लेक्चर होगा वो आपका ग्राफ के ऊपर का ही लेक्चर होगा, वापस काइनेमेटिक्स ग्राफ के ऊपर, क्योंकि ग्राफ वो होता है। तो आप ये कहाँ पे लिख सकते हो, कहीं पे भी लिख दो यार, काइनेमेटिक्स ग्राफ करके लिख के कर दो, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। 1 मिनट पहले मुझे इसका थोड़ा सा फोकस करना है, फोकस करने दो। घर में एक कार्टून आए हुए हैं हमारे, 1 मिनट। एक मिनट रुको जरा, 1 मिनट से प्रॉब्लम हुआ है यहाँ पे। हेलो, चलो। सो गाइस फटाफट फटाफट यहाँ पे ग्राफ का क्वेश्चन देख लो। मतलब पहले तो मुझे एक बात बताओ, थोड़ा सा एक बात बताओ पहले। मैं यहाँ पे जो चीज लिख रहा हूं सबको याद होगा, ST VT AT, क्या करना पड़ता है? ST से VT से AT क्या करना पड़ता है? कोई भी ST का इक्वेशन दिया रहेगा, VT का इक्वेशन चाहिए, AT का इक्वेशन चाहिए, क्या करना पड़ता है? सब लोग को पता है डेरिवेटिव, भाई डेरिवेटिव करना पड़ता है। तो ये होता है डेरिवेटिव, मतलब सपोज मैंने एसटी का डेरिवेटिव किया, ठीक है, तो वीटी मिलेगा। वीटी का डेरिवेटिव किया क्या मिलेगा? एटी मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली हम एटी पे होंगे, एटी से वीटी और वीटी से एसटी क्या करना पड़ता है? एटी से वीटी, वीटी से एसटी क्या करना पड़ता है? इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन, ये सबको पता है, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन। तो अब यहाँ पे एक सिंपल सी चीज, हम वीटी पे है, ठीक है, ठीक है, वीटी से डेरिवेटिव करेंगे तो एटी जाएंगे, वीटी से इंटीग्रेशन करेंगे तो एसटी जाएंगे, ठीक है। तो वीटी से हम एसटी एटी दोनों जा सकते हैं, डेरिवेटिव है इंटीग्रेशन से। फिर उसके बाद मैंने एकदम सिंपल सी चीज आपको बताई थी, तीन चीजें आपको दिमाग में रखने के लिए बोली थी। वी इज इक्वल टू क्या होता है? डीएस अपॉन डीटी, याद है सबको? ए इज इक्वल टू क्या होता है? डीवी अपॉन डी टी, यही तो है ना, डीएस अपॉन डी टी वी, डीवी अपॉन डी टी ए, उसे तो एसटी से वीटी से एटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। और ये मैंने बोला था ए इज इक्वल टू वी डीवी अपॉन डी एस, ये वाला चीज मैंने बोला, थोड़ा सा एडवांस ओरिएंटेड में ज्यादा काम में आता है इस वाला इक्वेशन का काम, राइट। तो उसका मैं लास्ट के हाफ एन आवर, लास्ट का आधा घंटा में इसके ऊपर बात करूंगा, ठीक है गाइस। हाँ, तो ये सब कुछ अपना हो चुका है, मतलब ये सब कुछ अपना, मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बोल चुका है, ठीक है। अब मैंने एकदम सिंपल सी बात आपको बोली थी, एक क्विक इक्वेशन एंड क्विक क्वेश्चन, मतलब उससे आपका थोड़ा सा ये हो जाए, ठीक है। मैं यहाँ पे ग्राफ पहले ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, मैं पहले ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। सब लोग यहाँ पे देखो, ये एसटी का ग्राफ है, ये वीटी का ग्राफ है और ये एटी का ग्राफ है। कोई भी ग्राफ में क्या होता है, कोई भी ग्राफ में दो चीजें होती है, क्या होती है मुझे बताओ? कोई भी ग्राफ दिया होगा आपको, तो उस ग्राफ का हम लोग क्या ले सकते हैं,
क्या कर सकते हैं उस ग्राफ का, इधर हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं, स्लोप निकाल सकते हैं ग्राफ का कोई भी पॉइंट पे, या क्या कर सकते हैं एरिया। स्लोप मतलब क्या, व्हाट इज स्लोप, स्लोप मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव। एरिया मतलब क्या, इंटीग्रेशन। सबको याद है, सबको याद है। तो मुझे बताओ पहले वीटी ग्राफ बीच वाला ग्राफ है, तो वीटी ग्राफ का स्लोप क्या होता है, व्हाट इज स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। स्लोप मतलब क्या, डेरिवेटिव। स्लोप इज डेरिवेटिव, डीवी अपॉन डीटी। स्लोप इज डीवी अपॉन डीटी, स्लोप इज डीवी अपॉन डीटी। व्हाट इट गिव्स यू, व्हाट इट गिव्स यू, द स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स यू व्हाट। अरे डीवी अपॉन डीटी क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स यू एक्सेलरेशन, याद है। कोई बोलो एरिया, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ क्या देता है, एरिया क्या मिलता है अपने को, वीटी ग्राफ का स्लोप मुझे एक्सेलरेशन देता है, तो एरिया ऑफ वीटी ग्राफ मुझे क्या देता है, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ मुझे क्या देता है। कभी भी एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, इस वीटी ग्राफ का एरिया जो होता है वो मुझे क्या देगा, यस डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, डिपेंड डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। डिस्टेंस हमेशा ऐड हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट प्लस माइनस होगा, ठीक है। तो मैं लिखता हूं डिस्प्लेसमेंट एस और डिस्टेंस, ठीक है, जो भी है वो तो आपको पता ही है, कैसे मैं क्वेश्चन दूंगा तो आपको समझ में आएगा। तो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ एंड स्लोप एंड एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, इतना आपको याद है, इतना आपको याद है। क्यों होता है एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ डिस्प्लेसमेंट क्यों देता है। तो हम लोग कैसे लिखते थे याद करो, कोई भी ग्राफ का एरिया निकालने के लिए क्या करते थे, याद करो, कोई भी ग्राफ का एरिया निकालना है। देखो यहाँ पे ये वाई वर्सेस एक्स का ग्राफ है, कोई भी ग्राफ का एरिया निकालना है, लेट्स से मुझे एक्स वन से एक्स टू तक का एरिया निकालना है। जस्ट क्विक छोटा सा रिवीजन, मतलब आप कनेक्ट कर पाओगे अच्छे क्वेश्चन। तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स, वाई डी एक्स फ्रॉम एक्स वन से लेके एक्स टू, ये क्या हो जाता है एरिया, ठीक है, इसके अंदर का एरिया, राइट right? इसके अंदर का एरिया। और कभी भी इंटीग्रेशन को यूज करना है, इंटीग्रेशन को यूज करना है। देखो सब लोग यहां पे देखो, कई सब लोग यहां पे देखो, इंटीग्रेशन वाई डी एक्स इज नथिंग बट एरिया। अब अपने को, अपने पास सिर्फ दो ही एक्सप्रेशन है, कौन से दो एक्सप्रेशन है, दो एक्सप्रेशन लिखो बाजू में, एक है वी इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी, एक एक्सप्रेशन ये है, एक एक्सप्रेशन है ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, दूसरा एक्सप्रेशन है, बराबर ना गई, दो ही तो एक्सप्रेशन है। फिर वॉट इज डी एस, डी एस की वैल्यू क्या हुई, डी एस की वैल्यू हो गई वी डी टी, डीवी की वैल्यू क्या हुई ए डी टी, इतना तो तुम लिख ही सकते हो गाइस, इतना समझ में आया तुमको। तो अब यहाँ पे जब मैं इंटीग्रेट करूंगा, जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, दोनों साइड में इंटीग्रेट करूंगा, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, डिस्प्लेसमेंट मिल गया। और इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी का मतलब क्या है भाई, वी टी, अरे भाई वी टी ग्राफ कोई भी ड्रॉ किया होगा, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी नथिंग बट वाई डी एक्स, सो इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी इज नथिंग बट एरिया। सो एरिया ऑफ वी टी ग्राफ गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट, याद रखने को बोला था। सिमिलरली यहां पे देखो डेल्टा वी मतलब क्या, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी, ए टी ग्राफ का एरिया, इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी मतलब क्या मिलता है, चेंज इन वेलोसिटी मिलता है। तो यही तो बोला था मैंने, देखो यहाँ पे ये सब चीजें याद है ना तुमको, कैसे लिखना होता है, मतलब कोई बोलेगा सर क्यू, ठीक है। आपने देखो जेई मेन के नॉर्मल लेवल एंड नीट, जेई मेन एंड नीट में डायरेक्टली याद रखना है, जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ना सीधा याद रखना है। क्या याद रखना है, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स यू एक्सेलरेशन, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सिमिलरली स्लोप ऑफ एटी एग्जिस्ट करता है क्या, एटी का स्लोप एग्जिस्ट करेगा क्या, स्लोप क्या मिलेगा, स्लोप इज इक्वल टू व्हाट, स्लोप ऑफ एटी क्या मिलेगा मुझे, एटी का स्लोप क्या होगा, डी ए अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, कुछ नहीं, कोई पूछता नहीं है रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। तो डी ए अपॉन डी टी किसी ने पूछा तो निकालो, नहीं तो उसका कुछ काम नहीं है। तो स्लोप क्या मैटर करते हैं इसमें, एरिया ऑफ एटी, व्हाट इज एरिया ऑफ एटी, क्या बोला था मैंने, एरिया ऑफ एटी मुझे हम लोग को क्या देगा, एरिया ऑफ एटी क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी मैं यहां पे वी नहीं लिख रहा हूं, मैं चेंज इन वी, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी इन वी मतलब क्या, v फाइनल माइनस v इनिशियल, डेल्टा v, ठीक है। गाइस कभी भी ध्यान में रखना, इस इंटीग्रेशन में ये v1 से लेके v2 का इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे तो डेल्टा v मिलता है, ठीक है, इट इज डेल्टा v, ठीक है। एरिया ऑफ एटी ग्राफ देखो ना यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ एडीट इज एरिया ऑफ एटी ग्राफ, समझ में आ रहा है गाइस, इसको इतना याद है तुमको। मैं ये तीन ग्राफ अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ, पहले इसके ऊपर के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। एस पी,
तो मुझे होता इसका क्या मिलेगा, इसमें भी दो चीजें होगी, एक होगा स्लोप, स्लोप ऑफ एच टी क्या मिलता है मुझे, एच टी का स्लोप मुझे क्या देगा बताओ, एच टी का जो स्लोप होता है वो क्या देगा, स्लोप ऑफ एच टी डी एस अपॉन डी टी, भाई सबको पता है ना, देखो ना रीजन करो ना, वी इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी, डी एस अपॉन डी टी स्लोप क्या देगा मुझे, स्लोप ऑफ एच टी ग्राफ मुझे क्या देगा, वेलोसिटी देगा, वेलोसिटी वेलोसिटी देगा, एरिया ऑफ एच टी ग्राफ क्या देगा, एरिया ऑफ एच टी ग्राफ क्या देगा, कुछ है क्या ऐसा, इंटीग्रेशन ऑफ एच डी टी कुछ होता है क्या, इंटीग्रेशन ऑफ एच डी टी कोई टर्म नहीं होता, सो एरिया ऑफ एच टी ग्राफ गिव्स यू नथिंग एक्चुअली, ठीक है, तो ध्यान में रखना ये चीज को, एक स्क्रीनशॉट लेके रखो, ये लिखा हुआ है आपने ऑलरेडी कि हम लोग ने किया हुआ है, बस स्क्रीनशॉट लेके रखना, एच टी ग्राफ का स्लोप वी देगा, वेलोसिटी देगा, वी टी ग्राफ का स्लोप एंड एरिया दोनों देगा, ए टी ग्राफ का स्लोप कुछ नहीं लेकिन एरिया देगा, तो इसका स्लोप और उसका एरिया मिलता है, वी टी ग्राफ के दोनों मिलते हैं, ठीक है, तो पहले मैं दो तीन क्वेश्चन एकदम फटाफट इसके ऊपर के सॉल्व करता हूं, ठीक है गाइस, इसके ऊपर के दोनों क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करते हैं, हाँ हैंड रेस कर लो, जिन लोगों को माइक का ऑप्शन वगैरह चाहिए हैंड रेस कर लो, दे देता हूँ माइक का ऑप्शन, थोड़ा सा बात भी करेंगे आज, ठीक है, लेकिन माइक ना बंद रखो, माइक ज्यादा चालू रखोगे और इधर उधर के क्वेश्चन नहीं पूछने के, ठीक है, मेन रेगुलर लेक्चर, मेन लेक्चर में मैं माइक नहीं दूंगा कभी, क्योंकि मेन लेक्चर में बहुत आप लोग वो करोगे, ठीक है, हैंड रेज कर लो, माइक का ऑप्शन दे रहा हूँ, जिन बहुत सारे लोगों को दे दिया ना, हाय करो जिन लोग ने, जिन लोग को दे दिया है, हाय सर, 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 हेलो हेलो भाई, हाय सर, अब जिन्होंने पहले पहले किया उनको सबको दे दिया मैंने, ठीक है, अब ऐसे बहुत सारे लोगों ने किया अभी वो मुझे देखना पड़ेगा, एक मिनट रुको गाइस, क्योंकि क्या है ना हर एक को पर्सनली करना पड़ता है वो, डायरेक्टली ऑटोमेटिकली नहीं होता वो, ठीक है, तो जनरली बाद में मैं अलग से ही ये करवा दूंगा स्टार्टिंग में, लेक्चर के स्टार्ट में अगले टाइम से, अब जिन लोग को मिला है जिन लोग को मिला है, जिन लोग को नहीं मिला है गाइस, ठीक है, बाद में मिल जाएगा, सर रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर्स पर सेकंड क्यूब होता है ना, राइट, ओके सर, थैंक यू सर, यस, ठीक है, तो चलो दे दिया मैंने ऑलमोस्ट सबको, एक हाथ दो लोग कर है, बाद में करें, ठीक है, और अंदर ही आपका आवाज में बोल रहा हूँ, अंदर आपका वो म्यूट अनम्यूट अंदर मत करो बीच में, ठीक है, चलो अब यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ फटाफट फटाफट एग्जांपल को करोगे आप, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, पहले मैं यहाँ पे जो भी पूछ रहा हूँ यहाँ पे सब लोग देखो, ये वीटी का ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, पहले थोड़े से जेई मेन एंड नीट टाइप के क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखो यहाँ पे जेई मेन एंड नीट टाइप के क्वेश्चन, ऐसा एक वीटी का ग्राफ दिया हुआ है, ये जीरो टाइम है, ठीक है, 4 सेकंड्स के बाद हुआ और यहाँ पे 10 सेकंड्स हुए, और यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी हुई आफ्टर 4 सेकंड इज 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, तो मतलब क्या है गाइज, ये ग्राफ कौन सा मैंने ड्रॉ किया, कार इज ट्रेवलिंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में कार ट्रेवल कर रही है, कार की धीरे धीरे स्पीड बढ़ रही है, 5 मीटर पर सेकंड हुई 4 सेकंड्स में, रिजर्व सेकंड्स, ठीक है, 10 सेकंड्स के बाद वो कार की वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट रही, तो यहाँ पे टोटल बोला है फाइंड द, देखो यहाँ पे फाइंड एवरेज वेलोसिटी, फाइंड एवरेज वेलोसिटी ये एक पूछा हुआ है, ठीक है, एंड एंड ड्रॉ एटी का ग्राफ, ठीक है, तो फाइंड एवरेज वेलोसिटी एंड ड्रॉ एटी एंड एसटी का ग्राफ, चलो
ड्रॉ एटी एंड एच टी बोथ द ग्राफ्स. यहाँ पे क्या पूछा है, फाइंड एवरेज वेलोसिटी एंड ड्रॉ एटी एंड एच टी बोथ द ग्राफ. ठीक है, ये दोनों ग्राफ को आपको ड्रॉ भी करना है. ये क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करो तुम लोग. एवरेज वेलोसिटी कितना होगा एंड ड्रॉ एटी एंड एच टी का ग्राफ. एक मिनट, एक काम करते, ड्रॉ हम लोग बाद में करते हैं. चलो पहले मैं ड्रॉ इसी क्वेश्चन में बाद में कर दूंगा, अभी के लिए काम करो, पहले सिर्फ एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करो. ठीक है, पहले मैं दो तीन एग्जांपल देता हूँ, फिर ड्रॉ कैसे करना है वो भी बताऊंगा. ठीक है, ठीक है. तो अब अभी एक एक सब लोग यहाँ पे देखो, हाउ टू फाइंड एवरेज वेलोसिटी. पहले यहाँ पे सब लोग देखो, चलो कोई कौन बोलेगा यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी को, मैं जो नाम जिनका नाम लूंगा उसका ही. चलो विमी बोल क्या करेगी इसमें. एक मिनट, तू ने हैंड रेज किया है क्या? विमी नहीं, कौस्तुभ दे दिया. कौस्तुभ इसका भी नाम दे रहा हूं, करो भाई. वेट 500 कैसे करेगा बता जरा. म्यूट अनम्यूट कर सकते खुद तुम एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे को क्या, खुद को. कुछ बोल नहीं रहे क्या लोग, बोल नहीं रहे या फिर वेट 500 वेद आवाज नहीं आ रहा क्या तुमको भाई, बाकी लोग का आवाज आ रहा है? यस सर. ध्रुव मोदी कैसे करेगा, ध्रुव मोदी. चलो देखो रैंडमली इंटरनेट इश्यू. सर मैंने कैलकुलेट कर लिया सर. नहीं नहीं तुमको, तुम्हारा नाम थोड़ी पूछा मैंने. चलो कोई दिक्कत नहीं. अब यहाँ पे देखो, मुझे बताओ ये वीडियो इसमें है, मतलब जो वीडियो स्पॉटलाइट में है बराबर गई, सब कुछ प्रॉपर दिख रहा है? यस सर. यस सर. हाँ चलो, तो यहाँ पे पहले मुझे बताओ मितांश. चल मितांश तू बोल क्या करेगा. Yes, sir. So, average velocity will be total distance upon total time taken. So, पहले इस graph का area निकालेंगे, that will be our total distance. Area of the graph, area of that small triangle plus area of that rectangle. So, area of the triangle will be 5 into 4 into half. And area of that rectangle will be 4 into, sorry, 6 into 5. So, 30 plus 10, 40 will be total distance. Time is 10. So, 4 meter per second velocity average. ठीक है. सो गाइस यहाँ पे देख लो, इस क्वेश्चन में सो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है गाइस. एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम. सो हाउ टू फाइंड डिस्टेंस, मैंने क्या बोला था, वीटी ग्राफ का एरिया क्या देगा. देखो दो ही चीजें होती, वीटी ग्राफ का स्लोप एंड एरिया. स्लोप क्या देगा मुझे बताओ. स्लोप तो इसका एक्सेलरेशन देगा, याद रखने को बोला था ना जेई मेन एंड नीट वालों को, याद रखो. स्लोप एक्सेलरेशन देगा. एरिया क्या देगा, एरिया, एरिया ऑफ विटी ग्राफ क्या देगा. इस विटी ग्राफ का जो एरिया था दैट गिव्स यू टोटल डिस्टेंस. तो यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस सेम ही है, तो एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड दोनों क्या है, सेम ही है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका जो एरिया है, अब यहाँ पे आप देखोगे ये हो गया 5, ये हो गया 4, तो 5 4 20, तो यहाँ पे इसका एरिया कितना हो गया, 10 हो गया. ये 4 है, ये 6 है, तो 6 into 5 टोटल कितना हो गया यहाँ पे, तो ये एरिया हो गया 10. ठीक है, और ये हो गया एरिया 30, 6 5 30. तो एक ट्रायंगल है, एक रेक्टेंगल. अब यहाँ पे कोई इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है. एरिया अंडर विटी ग्राफ गिव्स अस एस.
हाँ तो एरिया ऑफ इटीग्राफ 30 प्लस 10 कितना हो गया 40 डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना है 10 तो आंसर कितना आ गया बेसिकली गाइस 4 मीटर पर सेकंड समझ में आ रहा है ठीक है इसका कैसे ग्राफ ड्रॉ करना है एचपी ग्राफ एटी ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है वो थोड़ा सा बाद में पहले एक दो तीन क्वेश्चन नॉर्मल कर लेते हैं अब एग्जाम्पल टू सब लोग यहाँ पे देखो देखो जिन लोगों को पहली बात जिन लोगों को ग्राफ समझ में नहीं आ रहा है मेरा नॉर्मल ग्राफ का लेक्चर पहले आपको अटेंड करना पड़ेगा नॉर्मल विदाउट वो नॉर्मल जो ग्राफ का लेक्चर है वो अटेंड करो जेवाईसी का ग्राफ का लेक्चर अटेंड करो दोनों लेक्चर देख लो क्योंकि आपका ये जो मैट है जो मैट आने वाला है उसमें मैं ग्राफ के क्वेश्चन डालने वाला हूँ और मैट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपको समझ में आ रहा है ना जो संडे का टेस्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके ऊपर आपके पेरेंट टीचर मीटिंग भी होंगे हम मिलेंगे भी ठीक है तो काफी सारी चीजें होने वाली उसके ऊपर उसको प्रॉपर तरीके से दो एग्जाम्पल टू देखो 80 ग्राफ दिया हुआ है ये 80 ग्राफ है टाइम बड़ा 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 टाइम हो गया यहां पे जब टाइम t इज इक्वल टू जैसे 2 सेकंड्स हुआ तो एक्सेलरेशन हुआ 10 और फिर टाइम t इज इक्वल टू 6 हुआ यहाँ पे 6 सेकंड्स ये 2 सेकंड्स ये 6 सेकंड्स ठीक है तो एक्सेलरेशन टाइम दिया हुआ है यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुआ है यहाँ पे ठीक है अब यहाँ पे ध्यान से सुनो कार ठीक है स्टार्ट विथ इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड ठीक है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार कितना है 4 मीटर पर सेकंड सो बेसिकली एक काम करते हैं इनिशियल वेलोसिटी को मैं डायरेक्टली यू ही लिख देता हूँ क्यों खाली होगा इतना पूरा लिख देता तो कार जो है कार इज ट्रेवलिंग अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन ठीक है विथ यू इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड ध्यान में रखना कार कैसे ट्रेवल कर रही है अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन अलॉन्ग एक्स एक्सिस एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज गिवन एक्सेलरेशन ऑफ द कार वेरी हो रहा है 10 मीटर पर सेकंड तक गया इधर से इधर गया रेड कलर के बूट सस्ते तो चांगले अजून चांगले किसी का माइक ऑन है चांगले रेड कलर रेड कलर रेड वर चांगले पार्क का की रेड पार्क का की तेरा माइक माइक ऑन है भाई तेरा देखो ऐसा होता है इसीलिए मैं जनरली ना किसी को देता ही नहीं माइक मट म्यूट अनम्यूट का ऑप्शन कार स्टार्ट्स विद इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड ठीक है इनिशियल वेलोसिटी कितना है 4 मीटर पर सेकंड है कार का यहां पे बोला है Find velocity v, ठीक है दो टाइम पे at time t is equal to 2 seconds and at time t is equal to 6 seconds, ठीक है Find velocity when the car has traveled time t is equal to 2 seconds and find velocity v after time t is equal to 6 seconds. तो that 2 and 6 पे कार का velocity कितना होगा फटाफट निकालो और बताओ कैसे निकालेंगे कैसे करके क्वेश्चन कैसे करेंगे देखो पहले बिना कुछ सोच के सिंपल है सब ठीक है ये मैं आपको वो बता रहा हूं कि कैसे डायरेक्टली क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं बस कुछ चीजों को याद रख के चलो तो अब मुझे एक बात बताओ यहाँ पे इस पूरे इसमें ये 0 सेकंड राइट अब मुझे एक बात बताओ ये वाला जो एरिया है एरिया ऑफ 80 ग्राफ क्या देगा मुझे थोड़ा सा याद करो मैंने लिखवाया था आपको अभी जस्ट क्या लिखवाया था एरिया ऑफ 80 ग्राफ गिव्स यू व्हाट चेंज इन वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट हाँ तो यहाँ पे एरिया ऑफ 80 ग्राफ गिव्स यू व्हाट चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या
देखो चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या, डेल्टा वी, डेल्टा वी को हम लोग बोलते हैं वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। वी इनिशियल को हम लोग क्या बोला है, ये जो यू है ना यू, इस यू का मतलब ही होता है वी इनिशियल। तो वी इनिशियल दिया है 4 मीटर पर सेकंड, जिसको हम लोग यू बोलते हैं, ठीक है। तो गाइस गाइस एक बात बताओ मुझे, एट टाइम टी इक्वल टू 2 सेकंड में भी पूछे एंड 6 सेकंड में भी पूछे, दो क्वेश्चन है यहाँ। तो 2 सेकंड में क्या होगा एरिया, देखो यहाँ पे जो मैं यहाँ पे लिखूंगा ये 2 है और लेट्स से ये 10 है, तो मुझे तो इसका एरिया कितना हुआ 2 × 10 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो कितना हुआ 10। तो इसका एरिया हो गया 10, इसका एरिया हो गया 10, तो पहले का एरिया हो गया 10। तो पहले 2 सेकंड में पूछा है ना एरिया ऑफ एटीग्राफ, सॉरी एरिया ऑफ एटीग्राफ क्या है 10 है। चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या करेंगे अपन, वी फाइनल मुझे निकालनी है माइनस वी इनिशियल इज इक्वल टू एरिया। एरिया की वैल्यू कितनी है, एरिया एटीग्राफ का, तो इसकी वैल्यू कितनी है, वी फाइनल निकालना है मतलब वी इनिशियल कितना है 4, एरिया ऑफ एटीग्राफ कितना है यहाँ पे 10, तो यहाँ से आंसर कितना है वी फाइनल की वैल्यू कितनी है 10 + 4 = 14 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर आ गया 14 मीटर पर सेकंड, तो 14 मीटर पर सेकंड इसका वैल्यू आया। ये आपको समझ में आया 14 मीटर पर सेकंड इसका वैल्यू आया। किसी ने बोला फाइंड वेलोसिटी एट टाइम टी इक्वल टू 6, तो 6 के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, ये 4 है मतलब ये भी निकालना पड़ेगा, ये 4 है ये 10 है, तो 10 × 4 = 40, तो ये 20 हो जाएगा, इसका एरिया कितना हो जाएगा 20। अब आप देखोगे तो टोटल एरिया, इसका टोटल एरिया 30 है, टोटल एरिया 30 है। तो अब सेम अपन लॉजिक यहाँ पे लगाएंगे, तो इस केस में चाहिए तो हम लोग ऐसा करेंगे वी फाइनल वी इनिशियल, आप इसको भी इनिशियल मान सकते हो, 2 सेकंड वाले को भी इनिशियल मान सकते हो, लेकिन अपन अभी पूरे को देखते हैं, 0 से 6 पे देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एरिया ऑफ एटीग्राफ, एरिया ऑफ टोटल एटीग्राफ कितना है यहाँ पे, एरिया ऑफ टोटल एटीग्राफ है 30, वी फाइनल मुझे निकालना है माइनस 4, तो वी फाइनल की वैल्यू कितनी है 34 मीटर पर सेकंड। सबको समझ में आया गाइस? यस सर। सबको समझ में आया, मुझे होता ये ग्राफ निगेटिव जाता तो एरिया क्या होता, माइनस करते अपन, सब्ट्रैक्शन होता ना गाइस? यस सर, सब्ट्रैक्शन होता, ठीक है। तो देखो एरिया वाले क्वेश्चन तो सबके आगे गए, एरिया वाले क्वेश्चन तो आगे, कोई दिक्कत है क्या, कैसे एरिया से चेंज इन वेलोसिटी, एटी ग्राफ का एरिया, वीटी ग्राफ का एरिया क्या क्या हमको देता है, वो समझ में आया तुमको? यस सर, ठीक है। नाउ अब मैंने क्या, अब ध्यान में रखा, अब थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा एक स्टेज अपर लेवल पे जाते, थोड़ा सा एक स्टेज अपर लेवल पे जाते जिसमें चलो एक क्लास का क्वेश्चन देता हूँ, पहले मैं क्लास का क्वेश्चन देता हूँ, फिर उसके बाद एक स्टेज अप ग्राफ में, एक स्टेज अप एक लेवल अप जिसमें हाउ टू ड्रॉ ग्राफ और ग्राफ का एक दूसरे के साथ कैसे वो हो सकता है, ठीक है। हाँ तुम्हारे मॉर्निंग लेक्चर्स इतने जल्दी स्टार्ट नहीं होंगे क्योंकि अभी तक जो बैचेस बनी हुई है उन बैचेस का, क्योंकि अभी मॉर्निंग बैच, मॉर्निंग लेक्चर्स में वो नई बैच चल रही है, न्यू बैच, सो न्यू बैच मॉर्निंग में जब तक उन लोग का पोर्शन मर्ज नहीं हो जाता तब तक तुम्हारे लेक्चर्स अभी 1:30 to 4 ही रहेंगे, ठीक है। हाँ और एडवांस लेक्चर, एडवांस लेक्चर कहीं भी हो, एडवांस लेक्चर्स विल ऑलवेज बी इन द इवनिंग, ठीक है। जो बेसिकली ये जो लेक्चर है मतलब उसके बाद जैसी वो जो बैच होती है batch 2 and batch 3 सब लोग सेम पोर्शन में आ जाता है, उसके बाद आपके पास ऑप्शन रहेगा वेदर यू वांट टू अटेंड मॉर्निंग वाला बैच, आफ्टरनून वाला बैच, मतलब मॉर्निंग वाला बैच या इवनिंग वाला बैच, लेकिन वो अभी तक वो बैच बहुत पीछे है, ठीक है। और इवनिंग में हमेशा देखो, इवनिंग में गाइस एडवांस लेक्चर हमेशा इवनिंग में रहेंगे क्योंकि वो ऑप्शनल लेक्चर है, एडवांस लेक्चर्स आर ऑल ऑप्शनल लेक्चर। यहाँ पे मैं कोई नया मतलब थोड़े से अच्छे लेवल के कंसेप्ट कराता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल 3 देखो, वीटी ग्राफ है,
थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इधर भी पूछा है फाइंड एवरेज वेलोसिटी एक्सेलरेशन. सुनो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मतलब ए एट टाइम टी इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन मुझे चाहिए एट टाइम टी इज इक्वल टू 1 सेकंड, ठीक है, एंड टाइम टी इज इक्वल टू 3 सेकंड, टाइम टी इज इक्वल टू 6 सेकंड, ठीक है, ये 3 सेकंड पे मुझे एक्सेलरेशन चाहिए. एंड फाइंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार, ये वाला जो पॉइंट है ये दिया नहीं है, ये कितना वेलोसिटी है ये दिया, देखो ये 10 मीटर पर सेकंड है, लेकिन ये वेलोसिटी दिया नहीं है. चलो ढूंढो, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा अभी इसमें. हाँ बोलो सर, वो एवरेज स्पीड है या एवरेज वेलोसिटी है? हाँ, यहाँ पे मुझे एवरेज वेलोसिटी भी चाहिए और मुझे एवरेज स्पीड भी चाहिए, दोनों. ओके सर, थैंक यू सर. म्यूट करो. थोड़ा सा मैथ आपको इसमें करना पड़ेगा, थोड़ा सा मैथ इसमें करना पड़ेगा गाइस. चलो कोई है इसका आंसर बता पाएगा, मतलब चैट बॉक्स में लिखो पहले, कोई है जो इसका सबका आंसर बता पाएगा? ठीक है, एक काम करता हूँ, और 2-3 मिनट दे रहा हूं, मैं 3 मिनट दे रहा हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, फिर इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे. ठीक है, पहले मैं 3 मिनट दे रहा हूं, खुद इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे. कुछ कुछ वर्ड्स वाले प्रॉब्लम भी, कुछ कुछ वर्ड्स वाले प्रॉब्लम भी, कुछ कुछ वर्ड्स वाले, हाँ मिताश बराबर, कुछ कुछ वर्ड्स वाले प्रॉब्लम भी ग्राफ से सॉल्व किए जाते हैं. आपने देखा होगा कुछ बुक्स में, डीसी पांडे में, इसमें वर्ड्स के प्रॉब्लम जो होते हैं, वर्डिंग प्रॉब्लम्स, वर्ड प्रॉब्लम भी ग्राफ से सॉल्व किए जाते हैं. ठीक है, लेकिन वो मैं जनरली क्या करता हूँ, जनरली 2-3 टॉपिक्स खत्म होने के बाद मैं ग्राफ को वापस कभी कभी ले लेता हूँ, मतलब जैसे सर्कुलर मोशन होने के बाद, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन होने के बाद ग्राफ को हम लोग वापस ये करेंगे. सर वो बॉटम मोस्ट पॉइंट का वेलोसिटी माइनस कितना मीटर्स पर सेकंड है, वही तो निकालना है. अच्छा, इधर 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 मत पूछ, चैट चैट पे लिख, ये सब चैट पे लिख, ओमकार इधर मत पूछ, क्योंकि सब रिकॉर्डिंग है, तुम्हारे आवाज सब रिकॉर्ड हो जाते हैं. ठीक है, और ये YouTube पे जब जाएगा तो तुम्हारा आवाज नहीं आना चाहिए, सिर्फ मेरा आवाज आना चाहिए, जब मैं पूछूंगा किसी को तभी. चलो गाइस, पहले मुझे एक बात बताओ, सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो, मुझे एक बात बताओ, ये 2 है, ये 4 है, ये 10 है, ठीक है, तो मुझे बताओ ये जो स्लोप है, ये एंगल और ये एंगल सेम है कि नहीं है, बताओ मुझे. अरे एक ही स्लोप है ना यार, स्लोप एक ही है, एंगल सेम है, तो अब मुझे बताओ, सपोज एंगल सेम है, ये जो है ये 10 है और ये जो है वो सपोज 2 है, तो मुझे बताओ ये दोनों सेम एंगल है तो सिमिलर ट्रायंगल हुआ कि नहीं हुआ, बताओ मुझे. दो एंगल सेम, देखो ये 90, ये 90, सिमिलर ट्रायंगल हुआ, तो ये 2 होगा, तो ये जो है ये कितना है, 4, तो मुझे बताओ ये सपोज 4 है, मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, चलो ये 4 है, तो मुझे बताओ ये कितना होगा सिमिलर ट्रायंगल में, इसका डबल हो गया तो ये भी इसका डबल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा. समझ में आ रहा है गाइस, तो ये 20 हो गया, तो ये 20 हो गया, तो इसका मतलब ये जो वेलोसिटी है वो माइनस 20 मीटर पर सेकंड होगी, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है,
तो पहले तो अपन ने क्या किया, सिमिलर ट्रायंगल से स्लोप पे, एक ही स्लोप पे आपने निकाल दिया। हाँ, कुछ लोग इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करोगे, फिर वो इक्वेशन निकालोगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है। जितना क्वेश्चन फास्ट इजी सॉल्व करेंगे उतना अच्छा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे भाई, अब हम एवरेज वेलोसिटी के लिए टोटल डिस्टेंस या टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। तो सबका एरिया निकाल दो। तो पहले इसका तो एरिया क्या होगा, ये 10 है, ये 2 है, ठीक है। तो 10 और 2, तो इसका जो मैं एरिया जो सर्कल करके लिख रहा हूँ, इसका एरिया है, इसका एरिया है 20, 10 एंड 2, 20 हाफ बेस इंटू हाइट, इसका एरिया है 10, 20 इंटू 4, 20 इंटू 4 80, 80 डिवाइड बाई 2, एरिया कितना है, एरिया कितना है यहाँ पे 40। अब मुझे एक बात बताओ, इस केस में कार जब सपोज इस पॉइंट से निकली होगी, मुझे बताओ कार स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे, तो मुझे बताओ कार इस पॉइंट से निकली होगी तो वो आगे है या इस पॉइंट के पीछे है, कार कहाँ पे एक्चुअल में, इसको देख के। गाइस आप देख रहे हो, यस बिहाइंड द स्टार्टिंग पॉइंट, इट इज बिहाइंड द स्टार्टिंग पॉइंट। वाय देखो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस, मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ यहाँ पे ध्यान से सुनो, टोटल डिस्प्लेसमेंट देखो यहाँ पे एंड टोटल डिस्टेंस, ये दोनों अलग अलग है, क्योंकि नीचे वाला एरिया देखो, इसका मतलब क्या, पहले कार गई, कार का वेलोसिटी कम हुआ, जीरो हो गया, जीरो होने के बाद वो कार पीछे आई, निगेटिव वेलोसिटी मतलब पीछे आना चालू किया, तो कार आगे जाके पीछे आ रही है, ठीक है, इसका मतलब। और ये सब कुछ वन डायमेंशन वाले क्वेश्चन, वन डायमेंशन मोशन ग्राफ में। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ यहाँ पे, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 20 प्लस 10, ये तो पॉजिटिव एरिया, ये निगेटिव एरिया, तो इक्वल टू आंसर क्या है, माइनस 10, टोटल डिस्प्लेसमेंट इज माइनस 10, मतलब पीछे है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस ऑलवेज एड्स अप, पहले 30 आगे गया, 40 पीछे आया, हमेशा ऐड करते रहेगा, तो कितना हो गया 70। तो यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब एवरेज वेलोसिटी कितनी हुई, एवरेज वेलोसिटी का जो आंसर आया वो कितना आया, टोटल डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड लिखूंगा मैं, तो 10 डिवाइड बाय टोटल टाइम इज 8, टोटल टाइम इज 8, ये समझ में आया, 10/8 टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, मैग्नीट्यूड लिख दिया। और एवरेज स्पीड कितना आया, एवरेज स्पीड टोटल 70 डिवाइड बाय 8। सबको समझ में आया गाइस, समझ में आया या नहीं आया, चलो बताओ, ये क्वेश्चन सबको समझ में आया। जिन लोगों को समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, ग्राफ थोड़ा सा डिफिकल्ट होता ही है, सर, दो तीन बार आपको देखना पड़ता है। हाँ बोलो सर, वो लाइन का स्लोप निकल के भी हम निकाल सकते हैं ना, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल बिल्कुल, उसके बहुत सारे तरीके, लाइन का स्लोप निकालो, लाइन का इक्वेशन निकालो, या सिमिलर ट्रायंगल से करो, जो भी स्पीड, जिससे भी आपका स्पीड ज्यादा होगा वो करो, खत्म बात, ठीक है। इसलिए मैंने बोला नहीं, मैथमेटिकल चीज है। अब मैं ग्राफ में बहुत सारी मैथमेटिक्स चीजें होती है, तो इसलिए मैं, ये आपका काम है, ये आपका सेल्फ स्टडी का काम है, लेकिन मैं आपको सिर्फ मेथड बता के रख रहा हूँ, अब आपके हिसाब से कर लो, ठीक है। 10 मेथड से कर सकते क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है। अब मुझे बताओ हाउ टू फाइंड एक्सेलरेशन, वीटी ग्राफ का एरिया तो मुझे डिस्प्लेसमेंट देगा जो हो गया मेरा, बट मुझे बताओ एक्सेलरेशन कैसे निकालते, एक्सेलरेशन इज व्हाट, वीटी ग्राफ का क्या, वीटी ग्राफ का स्लोप। तो इसमें मुझे बता सकते हो आप इसका स्लोप कितना है यहाँ पे, ये लाइन का स्लोप कितना है, इसका स्लोप कितना है, जीरो। तो ये जीरो से टू सेकंड्स में एक्सेलरेशन जीरो है, तो मुझे तो एक्सेलरेशन एट टाइम टी इक्वल टू वन सेकंड, इसका आंसर कितना है, जीरो आया कि नहीं आया। और मुझे बताओ ये पूरे लाइन का स्लोप कितना है, ये पूरे लाइन का स्लोप कितना है, तो इसका एक्सेलरेशन तो यहाँ पे जीरो आ गया इस पॉइंट पे, ये पूरे लाइन का स्लोप कितना है, स्लोप 10/2, 10/2 5 मतलब, लेकिन नेगेटिव लाइन है तो -5, तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो कितना आया, -5 मीटर पर सेकंड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। तो इन दोनों पॉइंट पे टी इक्वल टू 3 सेकंड पे पकड़ो, 6 सेकंड पे पकड़ो, यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आएगी, -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगी, मतलब रिटार्डेशन होगा। समझ में आया सबको गाइस, इट विल बी अ रिटार्डेशन सारे पॉइंट्स पे, सारे इंस्टेंट्स पे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बेसिकली आते हैं ग्राफ में, मैं आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बता रहा हूँ कि कैसे कैसे आ सकते हैं, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आया, अमन तो समझ में नहीं आया, वापस एक बार देख लेना वीडियो रिकॉर्डिंग, ठीक है।
जिन लोगों को ऐसे क्वेश्चन समझ में नहीं आते, मतलब इधर आप लोग का ग्राफ वीक है, आपका थोड़ा सा मैथ भी वीक होगा, जाके थोड़ा सा कर लेना, और प्रीवियस जो अपन ने मैंने ग्राफ पढ़ाया हुआ था उसके वीडियो रिकॉर्डिंग वापस देख के नोट्स बनाओ वापस, ठीक है, और इवन जेवाईसी के भी वीडियोस देख लेना। आगे बढ़े सर, 6 seconds में भी -5 है। हाँ, 6 seconds -5 क्योंकि देखना है यहाँ पे, इसमें कोई भी इंस्टेंट पे, इस पूरे लाइन में कोई भी इंस्टेंट पे आप देखोगे एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, स्लोप ऑफ दिस कर्व, तो इसमें स्लोप हमेशा इस पूरे लाइन का स्लोप एक ही है ना, क्या है -5 है ना, तो इसलिए सारे सेकंड्स में फोर, देखो 2 से लेके 8 seconds में ये जो एक्सेलरेशन है, ये टाइम t इज इक्वल टू 2 से लेके 8 seconds तक यही होगा, समझ में आ रहा है? ओके सर, इक्वल का साइन मत डालो, ठीक है, ये थोड़ा सा इधर वो है, 2+, तो टाइम t इज इक्वल टू 2 से 8 seconds के अंदर कोई भी टाइम लो, एक्सेलरेशन हमेशा कितना होगा, -5 होगा। चलो, हाउ टू ड्रॉ ग्राफ, अब थोड़ा सा अपर लेवल गाइस, इतना इधर तक जेई मेन एंड नीट में अच्छे से आता है, जेई मेन का नॉर्मल लेवल एंड नीट, अब जेई मेन का अच्छा लेवल और नीट का बहुत अच्छा लेवल, मतलब नीट को बैठना है मतलब एक बार देख लो किस तरीके से होता है, कभी क्वेश्चन आया गलती से तो होना चाहिए आपको। मैंने आपको ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए सिखाया था, याद है आपको, ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए सिखाया था, हाउ टू ड्रॉ ग्राफ, मतलब एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होगी, ऐसी स्ट्रेट लाइन, उसको इंटीग्रेट करते तो ऐसी स्ट्रेट लाइन बनती है, याद है, और ऐसे स्ट्रेट लाइन को इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट, अब ये पॉजिटिव है, वाई इज मतलब सम कांस्टेंट बट पॉजिटिव, तो ऐसी स्ट्रेट लाइन, और ऐसे स्ट्रेट लाइन को इंटीग्रेट करेंगे पैराबोला, ये सबको समझ में है। यहाँ पे y इज इक्वल टू जो कांस्टेंट होगा या जो भी ग्राफ होगा, दैट इज हाँ, ये इंटीग्रेट करने से ऐसा होता है। अब देखो पैराबोला में ये वाला कर्व होता है, देखो ये वाला कर्व, ऐसा वाला कर्व, पैराबोला में ऐसे वाला कर्व होता है, ठीक है। अब सपोज यहाँ पे देखो ये y is equal to अगेन कॉन्स्टेंट है, लेकिन ये निगेटिव वैल्यू, दिस इज निगेटिव, तो निगेटिव सपोज एक ऐसी लाइन है, दिस इज निगेटिव लाइन, तो मुझे तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, लाइन कैसे मिलेगी इसको इंटीग्रेट करने से, ऐसे वाला स्लोप, और इसको भी इंटीग्रेट करेंगे, ऐसे वाले लाइन को इंटीग्रेट करेंगे तो ग्राफ कैसे मिलेगा, ऐसे वाला, समझ में आ रहा है गाइस, ये आपको याद है क्या, ये मैंने डायरेक्ट आपको बताया था, मतलब कोई होता है ना कि ग्राफ को फास्ट कैसे, एकदम क्विक कैसे ड्रॉ करते हैं, तो ऐसे ड्रॉ करते हैं, कुछ दिमाग लगाना नहीं होता, डायरेक्टली ऐसा कर लो, खत्म कर कहानी, ठीक है। हाँ, अब ऊपर जाना है तो देखो, अभी मैं जो ऊपर जा रहा है सब, मुझे ऐसे जाना है तो क्या करना पड़ेगा, ये क्या होता है, डेरिवेटिव, ऊपर डेरिवेटिव, मतलब पैराबोला को डिफरेंशिएट किया तो स्ट्रेट लाइन को डिफरेंशिएट किया तो पैरल स्ट्रेट लाइन, उसको डिफरेंशिएट किया तो इसको भी डिफरेंशिएट किया तो जीरो, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट जीरो होता है ना, ऊपर डेरिवेटिव होगा इसका, ऊपर ऐसे डेरिवेटिव होगा, समझ में आ रहा है आपको, इसको भी एक बार ड्रॉ करके रखो या स्क्रीनशॉट लेके रखो, रिविजन लेक्चर है, स्क्रीनशॉट लेके रखो आप लोग, ठीक है। ये समझ में आया क्या, बताओ मुझे, ये बोले सर हु वाज द कार्टून, अरे नहीं मेरी बहन रहती है उसको मैं कार्टून बोलता हूँ, ठीक है। चलो यहां पे देखो, यहां पे ये समझ में आया तुमको, पहले मुझे तो ये समझ में आया सबको, अरे ये सबको समझ में आया क्या, ठीक है, इसमें समझना कुछ नहीं था। अब गाइस अब थोड़ा सा अपन ने डेप्थ में जाएंगे,
ठीक है, थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे। पहले तो मैं एक ग्राफ देता हूं मैं आपको, अब मुझे उस ग्राफ का, ठीक है, मतलब पहले तो आपने वो ग्राफ मुझे ड्रॉ करके दिखा, डायरेक्ट सिंपल ग्राफ ड्रॉ करके दिखा, फिर हम लोग क्या करेंगे पता है, इक्वेशन को लेके उस ग्राफ को ड्रॉ, ठीक है गाइस, मतलब विद एक्चुअल इक्वेशंस कैसे ग्राफ को ड्रॉ किया जाता है वो देखेंगे विद इक्वेशन, तो इसमें आपकी हालत खराब हो सकती है विद इक्वेशन, ठीक है, जो मैंने शायद से जेवाईसी में पढ़ा है ना, मैंने जेवाईसी में विद इक्वेशन किया है ना, इट्स ऑल आई होप आई गेस, यस सर, हाँ, तो थोड़ा सा वो अलग करते हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट वे है समझने का, मैंने आपको इजी वे बता दिया, ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट वे अपन देख लेते हैं कि कैसे करते हैं, तो मैं एक ग्राफ देता हूँ आपको, दोनों ग्राफ को ड्रॉ करना है, ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये वीटी ग्राफ है, मैंने वीटी ग्राफ ऐसे दे दिया है, सब लोग यहाँ पे देखो ये मेरा वीटी ग्राफ है, और मुझे अभी ये ग्राफ को, अब ये वीटी ग्राफ है जहां पे ये लेट्स से मैंने दिया है 10 मीटर पर सेकंड, ये है टाइम 2 सेकंड और ये है टाइम 6 सेकंड, ये क्वेश्चन अपन ने किया था राइट गाइस, हाँ, इसमें मुझे निकालना है ड्रॉ एटी ग्राफ एंड ड्रॉ एचटी ग्राफ, पहले तो डायरेक्टली ड्रॉ करो, चलो बिना कुछ मतलब सिर्फ एरिया एंड स्लोप और उससे डायरेक्टली दोनों ग्राफ को ड्रॉ करो, फिर हम लोग इक्वेशन को देख के उसको ड्रॉ करते हैं विथ इक्वेशन, तुम लोग को पता है कि भाई जेई मेन में नीट में तो स्पीड बहुत मैटर करता है, जेई एडवांस में भी स्पीड मैटर करता है, ठीक है, तो ड्रॉ पहले करो, ग्राफ ड्रॉ करो गाइस, अभी ये ड्रॉ करना जो है ना ये नीट में पूछ सकते हैं, बट जो मैं इक्वेशन से ड्रॉ करूंगा वो नीट का काम का नहीं है, लेकिन आप लोग बैठ सकते हो, बैठने के लिए क्या है भाई, किसका जाता है, देखो 8:30 तक बैठना है, वैसे भी बैठ जाओ ना, वैसे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, तो मुझे बताओ वीटी ग्राफ से एटी ग्राफ एंड एचटी ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, वीटी का एरिया क्या देगा भाई, मुझे बताओ वीटी जो है वीटी का स्लोप क्या देता है, वीटी को अपन स्लोप करते तो क्या मिलता है, अरे वीटी का स्लोप मतलब डेरिवेटिव करेंगे तो एटी मिलता है, वीटी को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलता है, वीटी को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलता है, एचटी मिलता है, तो मुझे तो कौन सा सबसे ईजी होता है, ठीक है, एक काम करता हूं मैं यहां पे वीटी को अंदर बीच में ड्रॉ करता हूं, ठीक है, बीच में ड्रॉ करता हूं तो आपको और समझ में आएगा अच्छे से, एक काम करते रुको, इसको ज्यादा देते जगह, ये है वीटी राइट, अब यहां पे ऊपर में ड्रॉ करूंगा एटी ग्राफ, ठीक है, ऊपर में ड्रॉ करूंगा गाइस एटी ग्राफ, नीचे ड्रॉ करूंगा मैं एचटी ग्राफ, ठीक है, चलो तो अब मैंने यहां पे दिया था ये 10 मीटर पर सेकंड था, ये टाइम t इज इक्वल टू 2 था, ये टाइम t इज इक्वल टू 6 था, ठीक है, तो पहले तो मुझे बताओ एटी ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए, सॉरी वीटी से एटी ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए क्या लगता है, क्या करना पड़ता है, डेरिवेटिव ना भाई, डेरिवेटिव, मुझे बताओ इसका स्लोप क्या है, इसको डेरिवेटिव करेंगे तो इसका स्लोप क्या होता है, इसका स्लोप जो होगा जीरो हो जाएगा, इसका स्लोप क्या है बताओ मुझे, इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप क्या है, 10/4, ये 10 है, 2 है, ये 4 है, तो इसका स्लोप कितना हुआ, 10/4 मतलब कितना, 5/2, 2.5, ठीक है, तो इधर इसका स्लोप है -2.5, तो इसका स्लोप, अब मुझे बताओ ये सपोज स्लोप हो गया, इसका स्लोप जीरो है, तो जीरो है मतलब क्या, स्लोप गिव्स यू व्हाट, अरे स्लोप गिव्स यू व्हाट, एक्सेलरेशन, डेरिवेटिव, अरे डेरिवेटिव मतलब स्लोप, तो ऐसे लाइन का डेरिवेटिव कैसे लिखता है इक्वेशन, देखो ये ऐसा स्ट्रेट लाइन है तो इसका स्लोप तो जीरो है, तो ये तो जीरो होगा इधर तक, ठीक है, इसका स्लोप क्या है, -2.5, इसका -2.5 मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, निगेटिव, मतलब ये जो वैल्यू होगी ये कितनी होगी, -2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, समझ रहा है, 80 ग्राफ ऐसे दो स्ट्रेट लाइन बनेंगे, समझ में आ गई, 80 ग्राफ को ड्रॉ कर दिया मैंने, हाँ वीटी ग्राफ से एचटी ग्राफ ड्रॉ करना,
तो मुझे बताओ ये क्या होता है, एरिया ऑफ विटीग्राफ क्या देगा मुझे, व्हाट इज एरिया ऑफ विटीग्राफ, कोई चाहिए तो इसका एरिया जो है, एरिया ऑफ विटीग्राफ 10 × 20 तो ये कितना होगा 20, इसका एरिया कितना है 10 × 4 हाफ, ये भी एरिया कितना है 20, बराबर। एरिया ऑफ, एरिया ठीक है ध्यान में रखना, एरिया इज नथिंग बट व्हाट, एरिया ऑफ विटीग्राफ गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट एचटी ग्राफ, ठीक है। ऊपर क्या मिला मुझे स्लोप, स्लोप ऑफ विटीग्राफ गिव्स यू एटी ग्राफ, समझ में आ रहा है ना, अरे क्योंकि डेरिवेटिव एटी देता है, इंटीग्रेशन एचटी देता है। तो अब मुझे तो ऐसे लाइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, ऐसे लाइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, स्ट्रेट लाइन का इंटीग्रेशन मैंने क्या बोला था, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो एचटी मिलेगा। स्ट्रेट लाइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, लाइन होती है स्ट्रेट लाइन ऐसे, हाँ। अब कोई बोल सकते कि ये स्ट्रेट लाइन कब तक जाएगी, देखो ये जो स्ट्रेट लाइन है गाइस, चाहे तो मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं, ये जो स्ट्रेट लाइन है कहां तक जाएगी मुझे तो, टू सेकंड्स में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, ये 2 सेकंड्स में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया 20 मीटर, समझ में आ रहा है 20 मीटर, अरे एरिया कितना है इसका 20 है ना, 20 मीटर डिस्टेंस कवर किया, सीधा निकल गया। हाँ 2 to 6 सेकंड्स तक ये स्लोप कौन सा है, नहीं सॉरी स्लोप क्या बोल रहा हूं मैं, ये लाइन कैसे है, ऐसी लाइन का अप डाउनवर्ड पैराबोला ना, अरे ये लाइन के लिए डाउनवर्ड पैराबोला ऐसे होगा। अब मुझे होता है ये वाला पैटर्न लेंगे, ये वाला पैटर्न, लाइन ऐसी है तो उसका इंटीग्रेशन जो है, अभी तो बताया मैंने लाइन ऐसी है तो इसका इंटीग्रेशन ऐसा डाउनवर्ड पैराबोला होता है, लेकिन ऐसे लाइन है उसका इंटीग्रेशन डाउनवर्ड पैराबोला होगा। तो ये लेफ्ट वाला है राइट वाला, लेफ्ट वाला है राइट वाला, सब लोग सुनो जरा, बताओ मुझे क्या होगा लेफ्ट वाला है राइट वाला, पहले मुझे एक बात बताओ इसमें डिस्टेंस, सर लेफ्ट वाला, हाँ डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है कम हो रहा है, देखो यहाँ पे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों बढ़ रहा है, 20 + 20 = 40 हो रहा है ना, अरे आगे जा रहा है। कोई बोला कि सर चलो ना ये वाला पैराबोला का ये वाला लेते, अरे ये वाला लेंगे तो नीचे आ जाओगे तुम, डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है क्या यहाँ पे बताओ मुझे, अरे डिस्प्लेसमेंट नहीं कम हो रहा, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, तो कौन सा वाला लेंगे, एक मिनट, अरे सॉरी यार आपने कभी कभी नहीं बहुत पंगा करता है। अब यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है तो इसका जो ये होगा इस तरीके का होगा, समझ में आ रहा है तुमको, और ये जो पॉइंट है यहाँ पे एचटी का, ये कितना जाएगा यहाँ पे, कितना जाएगा, ये टोटल कितना है 20 + 20 कितना मीटर, 40 मीटर, समझ में आ रहा है। सो दिस इज द ग्राफ, ऐसा और ऐसा ग्राफ ड्रॉ होगा, ग्राफ ड्रॉ करने का इजी वे समझ में आ गया, इसमें कहीं भी मैंने कुछ इक्वेशन लिखा गया, अब कहीं भी इक्वेशन नहीं लिखा, अब आप लोगों ने इक्वेशन से करना है, ठीक है, अब इक्वेशन से करते हैं, ठीक है, नहीं इस क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है इक्वेशन से। मैं आपको एक क्वेश्चन दू, एक क्वेश्चन दू, यस सर, एक क्वेश्चन देता हूं सर, कैन यू प्लीज द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म तुम कर लेना कृष्णा, अब कृष्णा शेट्टी तुम बाद में कर लेना, पहले ये देख लो, अभी तुम ज्यादा, तुम नीट वाले हो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ठीक है, समझ में नहीं समझ में छोड़ दो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे देख लो सब लोग, एक क्वेश्चन दे रहा हूं सब लोग को करना है, ठीक है, एक तो देखो, एक तो अपना इजी वे मिला कि कैसे ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, एक हम लोग अभी इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। सो मैं एक दूसरा क्वेश्चन देता हूं, अभी एक ग्राफ आपका ड्रॉ हो गया, एक और ग्राफ को अपन ड्रॉ करवाते हैं आपसे, ठीक है। चलो एग्जांपल 1 दे दिया मैंने, अब एग्जांपल 2 ग्राफ से, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे 80 का ग्राफ दे देता हूँ, देखो यहाँ मैंने सब 80 का ग्राफ दिया है, 80 का ग्राफ ऐसा है, ठीक है, ये है 2 m/s² और यहां पे है -4 m/s² एक्सेलरेशन, तो ये 80 का ग्राफ है गाइस, दिख रहा है आपको 80 का ग्राफ, ये टाइम दिया है अपन ने, लेट्स से ये टाइम देते हैं 4 सेकंड और यहां पे टाइम देते हैं अपन 8 सेकंड,
4 सेकंड 8 सेकंड ठीक है। तो यहां पे ड्रॉ VT एंड ST बोथ द ग्राफ, ड्रॉ VT एंड ST बोथ द ग्राफ, ड्रॉ VT ग्राफ ऑल्सो एंड ड्रॉ ST ग्राफ ऑल्सो। अब और इसको मैं इक्वेशन से भी करने वाला हूं, इक्वेशन विद इक्वेशन भी हम लोग को करना है और अपने को चेक करना है कि भाई सही आता है क्या प्रॉपर। मैंने जेवाईसी में इजी मेथड नहीं बताया था लेकिन यहाँ पे मैंने इजी मेथड से करवा रहा हूँ, जेवाईसी में मैंने फुल लॉन्ग कट मेथड से किया था। तो जो लोग को एडवांस वाले लोग है भाई जेवाईसी से देख लो अच्छे से। फिर मैं एक क्वेश्चन दूंगा बाउंसर, अच्छा वाला क्वेश्चन ठीक है, एक क्वेश्चन बाउंसर वाला दूंगा चलेगा ना, मस्त वाला क्वेश्चन, वो लास्ट क्वेश्चन होगा अपना इसके बाद। ग्राफ का मैं और एक लेक्चर लूंगा एडवांस का, मुझे एडवांस का लेक्चर आज ले नहीं पाया मैं, मतलब प्योर एडवांस, एडवांस प्लस जो बोलते हैं ना अपन, उसका लेक्चर मैं आज ले नहीं पाया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ये मैं थर्सडे को लेने वाला था जो मैं आज ले रहा हूँ। तो एक लेक्चर और मैं एडवांस का बाद में लूंगा ग्राफ के ऊपर, काइनेमेटिक ग्राफ के ऊपर। जिसमें बहुत अच्छे अच्छे ग्राफ आएंगे जिसमें आपकी हालत अच्छी सी खराब हो सकती है, और कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस ग्राफ से कैसे करना है वो भी बताऊंगा मैं आपको। चलो पहले तो मुझे बताओ यहाँ पे फटाफट बताओ कि इसका वीटी ग्राफ कैसे बनेगा ठीक है, और फिर यहाँ पे अपन एसटी ग्राफ भी बनाने का कोशिश कर लेते हैं। पहले वीटी ग्राफ बताओ कि कैसे बनेगा, एटी एटी से वीटी, वीटी से एसटी, सब कुछ क्या करना पड़ेगा मुझे बताओ। एटी से वीटी क्या, एटी से वीटी इंटीग्रेशन, वीटी से एसटी भी इंटीग्रेशन, सब इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन मतलब क्या, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे होगी तो ये स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पे ध्यान में रखना एरिया पहले फाइंड आउट करते, ये टू है फोर है तो इसका एरिया कितना हुआ एट है, ये फोर है ये फोर है तो इसका एरिया कितना हुआ सिक्सटीन। ये समझ में है, पहले एरिया समझ में है तो एट आया, तो इसका एरिया एट मतलब पहले यहां से यहां पे, यहां से यहां पे तो बेसिकली क्या होगा, यहां से यहां पे क्या होगा, ये फोर है तो ये जो चीज हो जाएगी ये हो जाएगी एट मीटर पर सेकंड। सबको समझ में आया क्या, पहले बताओ VT ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन। अब ऐसे वाले का ग्राफ का स्ट्रेट लाइन कैसे होता है, ऐसे जब ग्राफ होता है तो इसका स्ट्रेट लाइन कैसे होता है, ऐसे वाला स्ट्रेट लाइन। बट अब मुझे बताओ इसका एरिया कितना है, 16 है, इसका एरिया 16 है तो कोई बोल सकता है कि ये दिखेगा कैसे, 16 मतलब क्या, देखो ऐसे आके इधर जीरो होगा क्या है, ये जीरो होगा क्या, 16 है मतलब क्या, इसका फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज 16। तो गाइस आपको पता है कि ये जो ये है ये ग्राफ कुछ ऐसे दिख के किधर तक आएगा, यहाँ पे माइनस 8 मीटर पर सेकंड आएगा, समझ में आ रहा है, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इज माइनस 8 मीटर पर सेकंड, समझ में आ रहा है क्या। तो ये मेरा एसटी ग्राफ ड्रॉ हो गया, सबका आया क्या, वीटी ग्राफ सॉरी वीटी ग्राफ ये ड्रॉ हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ये ऐसा और ये ऐसा ठीक है, क्योंकि एरिया निकाला मैंने, दिस इज द एरिया, दोनों एरिया है और एरिया ऑफ 80 ग्राफ गिव्स यू व्हाट, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी ध्यान में रखना है, चेंज इन वेलोसिटी है और ये चेंज इन वेलोसिटी 16 है, मतलब क्या माइनस 8 माइनस, देखो माइनस 8 माइनस 8 तो माइनस 16, चेंज इन वेलोसिटी यहां पे कितनी हुई माइनस 16 हुई ना, क्योंकि एरिया भी तो निगेटिव है, समझेगा गाइस, पहले ये समझना जरूरी है।
देखो गाइस मुझे बताओ ये एरिया क्या है, मितांश यहाँ पे देख एरिया कितना है, इसका एरिया कितना है, कलर वही रखता हूँ मैं, कलर में यही रखता हूँ, ये एट है, क्यों, क्योंकि ये फोर है, ये टू है, तो इसका एरिया एट है, इसका एरिया कितना है, ये फोर है और ये फोर है, तो एरिया कितना है इसका, सिक्सटीन है। एरिया का मतलब क्या, व्हाट इज एरिया ऑफ एटीग्राफ, एरिया ऑफ एटीग्राफ गिव्स यू डेल्टा वी, दैट इज वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, तो इसमें मुझे तो एरिया ऑफ एटीग्राफ कितना है, पहले वाले क्वेश्चन में माइनस सिक्सटीन, क्योंकि माइनस सिक्सटीन है ना, तो वी फाइनल, और इसमें वी इनिशियल कितना है, इसमें वी इनिशियल कितना है, इस पॉइंट पे फोर सेकंड पे इनिशियल कितना था, एट था ना, तो मुझे तो वी फाइनल कितना आने वाला है यहाँ पे, माइनस सिक्सटीन प्लस एट, माइनस सिक्सटीन प्लस एट, तो माइनस एट आया ना, जिसको समझ में नहीं आया गाइस, जिसको समझ में नहीं आया फाइनल एट कितना है, वापस एक बार वीडियो रिकॉर्डिंग देख लेना, ये माइनस एट हो गया, समझे गाइस। अब ये हो गया, अब मुझे बताओ ये हो गया, अब मैं इसको रब कर देता हूँ क्योंकि मुझे जगह चाहिए, जगह चाहिए मुझे, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ यहां, अब एटीग्राफ सॉरी एस्टीग्राफ, एस्टीग्राफ कैसे निकालोगे, ठीक है, अब सब यहां पे देख लो, मैं एस्टीग्राफ यहां पे निकाल रहा हूं, एस्टीग्राफ कैसे निकालोगे, ये हो गया मेरा एस्टीग्राफ जो मैं अभी ग्रीन में निकाल रहा हूं, इसका ऐसा जो लाइन होता है, ऐसे जब लाइन होता है, ऐसे लाइन, ऐसे लाइन का वो क्या होता है बताओ मुझे, अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला, ठीक है, तो अपवर्ड पैराबोला के पहले इसका वीटीग्राफ का एरिया यूज मी माई एस्टीग्राफ, मतलब क्योंकि इंटीग्रेशन ना भाई, इंटीग्रेशन ही तो करना पड़ रहा है, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है एरिया, तो वीटीग्राफ का एरिया यहाँ पे कितना हुआ, ये एट, ये फोर, तो कितना हुआ सिक्सटीन, बराबर, फिर ये एट, ये कहाँ पे उसको स्ट्राइक करेगा अपने को, मुझे तो कौन से टाइम पे ये जीरो हो जाएगा, ये फोर सेकंड है, सिक्स सेकंड राइट, सिक्स सेकंड है, ये भी आप निकाल सकते हो अच्छे से, लेकिन ठीक है, अब मुझे बताओ ये एरिया कितना है, एट प्लस सिक्स, एट इंटू सॉरी एट इंटू सिक्स कितना है यहाँ पे, ये एरिया कितना होगा, सॉरी एट इंटू सिक्स नहीं, ये टू है, तो एट एट टू सा कितना है सिक्सटीन, सिक्सटीन बाई टू, ये सिक्स कैसे आया गाइस, ये सिक्स कैसे आया, ये आपका काम है, निकाल लो आप, ठीक है, एट इंटू टू सिक्सटीन बाई टू एट, तो इसका एरिया कितना हुआ एट, ठीक है, और ये मुझे तो इसका एरिया कितना हुआ, ये टू और ये एट, ये थोड़ा सा एडवांस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, तो आंसर कितना है इसका भी एरिया एट, तो कोई बोल सकते हैं, अब मेरे को एरिया तो आ गया, तो पहले तो मुझे बताओ कितने तक, कितने तक गाड़ी आगे आगे जाती जाएगी, किधर तक गाड़ी आगे आगे जाती जाएगी, कितना डिस्प्लेसमेंट आगे जाएगी गाड़ी, 16 प्लस एट कितना 24, 24 मीटर तो आगे जाएगी, लेकिन आप एक देखोगे ये वाला जो पैराबोला है, जैसे ऐसे स्ट्रेट लाइन को अपन इंटीग्रेट करते हैं तो कौन सा पैराबोला मिलता है, ऐसे स्ट्रेट लाइन को करते हैं तो हम लोग कौन सा पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड ओपनिंग अपवर्ड राइट, अपवर्ड पैराबोला, तो पहले तो देखो यहाँ पे इधर से इधर तक तो ये ऊपर ही गया, किधर तक गया 16 मीटर, ये था 16 मीटर, टाइम कितना था यहाँ पे, टाइम कितना था यहाँ पे 4 सेकंड तक तो अपवर्ड गया, ऐसे लाइन में कौन सा पैराबोला बताओ, ऐसे लाइन में कौन सा पैराबोला है, डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला, लेकिन अभी ये डाउनवर्ड पैराबोला में एक पंगा है, यहाँ पे देखो एक और 8 मीटर वो आगे जाएगा, उसके बाद क्या आएगा, वो पीछे आएगा नीचे आएगा, मतलब बेसिकली ये जो अभी यहाँ से जो पैराबोला आएगा, कौन से कलर में लिखूं मैं, राइट पार्ट ऑफ डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है, देखो ये कौन सा कलर यहाँ पे दिखता है कि आपको, ये वाला कलर दिखता है, ठीक है, इसके बाद ये कुछ टाइम तक, मतलब कितना टाइम तक, सिक्स सेकंड तक, देखो सिक्स सेकंड तक ये वाला पैराबोला था, वो इधर से इधर आगे आगे जाते रहा, कितने कितना मीटर हो गए, 16 प्लस कितना मीटर, 24 मीटर तक तो ऐसे था, देखो पैराबोला ऐसे ही, फिर उसके बाद वो नीचे आया, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या लिख रहा हूँ, एट नीचे आ गया, तो एट नीचे आ गया तो कहां तक आया, वो एट आगे गया, एट नीचे आया, वापस कितना है, फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना है उसका, फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना है, 16 ही आया ना, तो एक नीचे आया, मतलब फाइनल डिस्प्लेसमेंट इसका कितना है भाई, फाइनल डिस्प्लेसमेंट इसका 16 आया ना, क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट 16 आया, समझ में आ रहा है, ये हो गया मेरा एचटी ग्राफ,
ये कौन सा ग्राफ हो गया, देखो ये थोड़ा सा एडवांस वाला पार्ट है, ऐसे और फिर ऐसे, समझ में आया तुमको? जिनको नहीं समझ में आया ना एक बार खुद से करने की कोशिश करना, क्योंकि सब मैथमेटिकल चीज है, ठीक है। हाँ ये, लेकिन ये जो ग्राफ है गाइस, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। ये होता है डिस्प्लेसमेंट और ये होता है टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट, किसी ने बोला डिस्टेंस टाइम ग्राफ निकालो, हाउ टू मतलब इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ मुझे निकालना है। डिस्टेंस हमेशा क्या होता जाएगा बताओ मुझे, डिस्टेंस हमेशा क्या होता जाएगा? इंक्रीज। तो मुझे होता ये इधर से, देखो ये इधर से इधर तक तो सेम था, इधर से इधर तक का भी ग्राफ सेम है, तो इधर का पार्ट बचा ना डिस्प्लेसमेंट का, ये वाला, इसका कौन सा वाला पार्ट आएगा? ऐसा वाला पार्ट आएगा कि नहीं? इसको सिर्फ रिवर्स वाला कर दो, मतलब ये वाला पार्ट भी ऐसा वाला आएगा। समझ में आ रहा है कहीं? नहीं समझ में आया? डिस्टेंस हमेशा बढ़ते रहेगा, तो इसका मिरर इमेज लेने का बस। तो ये मेरा एक्चुअल ग्राफ है, जहां पे हम क्या करेंगे, ये आ गया पहले 16 मीटर, फिर यहाँ पे आ गया 24 मीटर, और फिर यहाँ पे आ गया 8 और बढ़ गया, तो यहाँ पे क्या आ गया 24 प्लस 8 कितना 32 मीटर। आपको समझ में आया ऐसे? तो ये हो गया एसटी ग्राफ, बट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। जिसका ये सही आया, मतलब आप ये जो सारे ग्राफ आपको समझ में सपोज आए होंगे, इसका मतलब आपका ग्राफ, मतलब आपका मैथ अच्छा है, नॉट ग्राफ अच्छा है, मैथ अच्छा है, ठीक है। सो सो वो वीटी ग्राफ में 6 सेकंड्स कैसे आया? वो मैथ है, देखने एक स्ट्रेट लाइन है जो माइनस 8 से 8 में जा रही है, ये सेम है 4 टू 8 है, तो जो सिमिलर ट्रायंगल बनेंगे वो भी एग्जैक्टली मिडिल पॉइंट पे करेंगे ना, 4 सेकंड 8 सेकंड को एग्जैक्टली 6 सेकंड्स को करेंगे वो, समझा? ज्योमेट्री ज्योमेट्री यूज कर लो थोड़ा सा बचपन वाला, ठीक है। देखो मैंने आंसर बता दिया, ये क्वेश्चन नहीं आया, घर पे जाके आराम से इसके ऊपर टाइम स्पेंड करो, इसीलिए मैंने आपको बोला ना सेल्फ स्टडी का टाइमिंग बढ़ाना पड़ेगा गाइस, सेल्फ स्टडी का टाइमिंग बढ़ाना पड़ेगा, क्यों बोला मैंने? इतना समझ में आया तुमको सबको? t is equal to 0 पे वेलोसिटी 0 है, t is equal to 0 पे वेलोसिटी 0 है, दिया है ना यहाँ पे, देखो 0 नहीं होता तो फिर वो कुछ अलग ग्राफ बनता, समझा? सर ये क्वेश्चन में मेंशन होगा कि हमें आपने अज्यूम किया है? नहीं ये मेंशन होगा। ओके सर। टाइम टी इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 के साथ मेंशन किया रहेगा, ठीक है। एक ग्राफ दो, अभी लास्ट का क्वेश्चन दो, अच्छा वाला। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन अभी एक लास्ट का क्वेश्चन देता हूँ जो आपको करना है, ठीक है। हाँ, AS ग्राफ है, ठीक है, ये AS ग्राफ है, ऐसा डिस्प्लेसमेंट, ये A मतलब एक्सटेंशन, S मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर था, तब इसकी वेलोसिटी, इसकी एक्सेलरेशन था कुछ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहा टिल 4 मीटर, ठीक है। तो बोला है फाइंड, ठीक है, फाइंड वेलोसिटी एट डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर, डिस्प्लेस 4 मीटर जब ये पहुंचा तब उसकी वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी एट डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर, ठीक है। ये ऐसे सब डिसिप्लिन में लेवल 2 में ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं जो आपको करने बाद में अपने अपने इवन मॉड्यूल्स में भी बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है। आप फटाफट करो, आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन क्या है। AS ग्राफ दिया हुआ है, लास्ट का क्वेश्चन है, चलो फटाफट करो और मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा, और फिर रीजन भी बताना है आप क्यों होगा। इसका आंसर कितना होगा, ठीक है। एडवांस का क्वेश्चन है, कर लो।
मुझे एक बात बताओ, कोई भी इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा कैसे करना है? कोई भी हैंड रेस कर लो, जिन लोग को आया है, जिन लोग को समझ में आया कुछ करना है, हैंड रेस कर लो। नील थोड़ा सा तू बाद में, मतलब तेरा आया होगा वो देखेंगे अपन। पहले और कोई, और कोई जिसका आया हुआ है गाइस? और कोई गाइस इसका क्वेश्चन आया हुआ है? किसी ने तो आंसर दिया है शायद, एक ने, कौन है भाई वो? सुजेश, हाँ सुजेश। गाइस मुझे एक बात बताओ, चलो सिर्फ अपना कौन, नील क्या किया तूने बता मुझे जरा। तो वो फॉर्मूला है ना, a इक्वल्स vdv अपॉन ds, मैंने इसे इंटीग्रेशन फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो ads इक्वल्स vdv, फिर मैंने इंटीग्रेशन किया दोनों साइड में, तो as इक्वल्स v स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि हम लोग a को कुछ नहीं कर सकते, तो v स्क्वायर इक्वल्स 2as, और इस पॉइंट पे हम लोग को a और s दोनों बताए, 10 और 4, तो v square equals 2 into 10 into 4, which is v square equals 80, तो v equals root 80। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा तूने एकदम तू सोचा सही, लेकिन लास्ट पे जाके तूने गलती कर दी। देखो गाइस 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 एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ, तुमको ये a और s ग्राफ जब दिखते तो थोड़ा सा कैसे दिमाग लगाना होता है? इसने सही दिमाग लगाया, फर्स्ट स्टेप तक तेरा सही था, a इज इक्वल टू क्या था, v dv अपॉन ds, ये सबको समझ में, सबको समझना क्या, ये तो अपने को पता ही है ना। मुझे तो इस ds को मैं इधर लेके गया तो क्या दिखता है, a ds इज इक्वल टू क्या दिखता है, v dv, मुझे तो ये सबको समझ में आया। अरे ds को इधर लेके गए तो a ds आएगा। मुझे एक बात बताओ, इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा, देखो इसको इंटीग्रेट करूंगा, इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा, और इसमें दिया है इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो दी है, एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, एट डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू जीरो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, जीरो से लेके वी। कोई बोल सकता है, कोई बोल सकता है इस ग्राफ का एरिया क्या होगा, व्हाट इज एरिया, हाउ टू फाइंड एरिया, एरिया ऑफ दिस ग्राफ इज व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ ए डी एस, अरे भाई वाई डी एक्स ना, वाई डी एक्स, ए डी एस, दिस गिव्स नथिंग बट व्हाट, एरिया देता है कि नहीं देता है बताओ मुझे। अरे भाई ये एडवांस का क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि आइडेंटिफाई करना था कि ये जो यहाँ का जो पार्ट है, दिस इज नथिंग बट द एरिया ऑफ कर्व, एरिया ऑफ दिस ग्राफ, आपको समझ में आ रहा है क्या, अभी क्लिक हुआ क्या थोड़ा बहुत, मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो इसका इंटीग्रेशन नहीं तो डिफिकल्ट हो जाएगा, तुमको ए एस का इक्वेशन निकालना पड़ेगा, इसमें डालना पड़ेगा, फिर लिमिट डालना पड़ेगा, फिर ए एस का इक्वेशन निकालना पड़ेगा, लिमिट डालना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, क्यों करोगे भाई, लंबा जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ मुझे। अरे लिमिट का इंटीग्रेशन है, वो सब डाल के इक्वेशन लिखोगे, इसका इस लाइन का इक्वेशन क्या है पता है आपको, इस लाइन का इक्वेशन क्या है, सीधा a इज इक्वल टू क्या, 10/2 πs, a इज इक्वल टू 5s, फिर इस लाइन का इक्वेशन है a इज इक्वल टू 10, इसको इसमें डालो, इंटीग्रेट करो, लंबा सा मेथड jyc वाला, वो करना पड़ेगा। क्यों करना है, क्यों करना है, डायरेक्टली एरिया क्या मुझे बताओ, एरिया फाइंड आउट नहीं कर सकते आप यहाँ पे, क्या इसमें एरिया फाइंड आउट नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, चलो एरिया फाइंड आउट करो, यहाँ इसका एरिया कितना होगा बताओ मुझे, इसका एरिया कितना है, 10/2, तो ये हो जाएगा इसका एरिया 10, इसका एरिया कितना होगा 2 and 10 20, तो मुझे तो टोटल एरिया कितना होगा, टोटल एरिया कितना होगा इसमें 30। अब लोगों ने गलती देखो क्या की, अरे मैंने यहाँ पे लिखा इंटीग्रेशन ऑफ ए डी एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी वी, उनको पता है हर एक चीज एरिया में निकालते हैं, तो एरिया ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ए डी एस तो 30 हो गया, बट यहाँ पे ध्यान में रखना इट इज वी डी वी का इंटीग्रेशन, तो इट इज वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2, समझ में आ रहा है, तो जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 60, तो वी की वैल्यू क्या आएगी रूट 60, सो वी इज इक्वल टू रूट 60 इज माय आंसर। सबको समझ में आया क्या गाइस बताओ मुझे, ये एडवांस का क्वेश्चन है ठीक है, वी इज इक्वल टू रूट 60, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ ए डी एस, आपको एक क्लिक होना चाहिए कि ए एस ग्राफ का जो कर्व का जो एरिया होता है ठीक है। अरे
टीशा मुझे बता वी डीवी का इंटीग्रेशन क्या होता है, वी डीवी का इंटीग्रेशन क्या होता है फ्रॉम जीरो से वी, अरे एक्स डी एक्स वी डीवी वी स्क्वायर बाय टू होता है ना, भूल गए क्या? यस तो वी स्क्वायर बाय टू होता है, काम खत्म। एक्सेलरेशन का कांस्टेंट विजन नहीं है, इसे एक्सेलरेशन तो वेरिएबल है ना, डिस्प्लेसमेंट के साथ एक्सेलरेशन वेरिएबल है, कुछ अलग ही। तो आइदर आप पूरा का पूरा इक्वेशन लिखो, उसका इंटीग्रेशन करो, क्यों करना है इतना भाई, डायरेक्टली कर लो, काम खत्म तुम्हारा। समझ में नहीं, समझ में आ रहा है मुझे तो, सबको समझ में आया? क्यों ये ग्राफ, क्यों ये क्वेश्चन, क्यों ये क्वेश्चन एडवांस का क्वेश्चन है वो भी समझ में, लेवल टू का क्वेश्चन क्यों है? Yes, sir. तो ऐसे क्वेश्चन अपन बहुत सारे करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे दिमाग मतलब हिलाने वाले क्वेश्चन भी होते हैं ग्राफ में। मैं आपको एक लेक्चर अपना बाद में अपन बचा रहेगा वो बाद में करेंगे, देखते कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की बात करते हैं ऐसे कुछ, क्योंकि ग्राफ जो होता है ना वो कितना भी करो ना डिफिकल्टी जाता है। ठीक है, तो गाइस कर लो ये खत्म। सर ये ग्राफ का स्लोप क्या देगा हमें? इस ग्राफ का स्लोप कुछ नहीं देता है, डी ए अपॉन डी एस तो कुछ है ही नहीं ना। ओके सर, वो मत सब सोचो, ठीक है चलो, इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रखो, बाद में मिलते अपन। बाय गाइस, बाय बाय कर लो सब लोग, बाय सर, बाय बाय सर, बाय सर, थैंक यू सर, बाय सर, बाय सर, थैंक यू, बाय सर, थैंक यू सर, बाय सर, बाय गाइस, बाय गाइस, बाय गाइस, बाय सर।